जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24। मैं हूं जिला बिरोजी वीरेंद्र कुमार। आज देवघर में उपस्थित है। आज यहां आवाज अखबार का पहला आज मनाया गया। तमाम देवघर के वीआईपी मौजूद थे। हमारे साथ यहां के स्थानीय संपादक उदय खवाड़े साहब जुड़ेंगे। मैं उनसे जान के बताने की कोशिश करता हूँ, एक साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कई लोगों ने कहा अखबार जो है आईना दिखाने का काम करता है, ऐसे में आवाज अखबार अतुलनीय। मैं खवाड़े साहब से बात करके बताने की कोशिश करता हूँ। एक साल बीत गया, कैसा लग रहा है? देखिए, वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर भारत है मीडिया के मामले में। पहला रैंकिंग अमेरिका का है, दूसरी रैंकिंग भारत की है। मीडिया की स्वतंत्रता पूरी दुनिया में भारत चूंकि दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ हर छोटे कस्बे से लेकर नई दिल्ली तक भी बहुत तरह तरह के जर्नलिज्म पत्रकारिता होते हैं, और हम लोग उसी छोटे से कस्बे के सिलसिले से हम लोग काम करते हैं। यहाँ सभी पत्रकार जो भी रहते हैं वो अपने अपने छोटे छोटे मुद्दों को लेकर प्रखर होते हैं, आगे आते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन जब उनको नहीं लगता है कि हम जो है आगे बढ़ पा रहे हैं, तो वो जर्नलिज्म पत्रकारिता को अपनाते हैं। इसलिए वो आवाज़ है जी, तो अपनी आवाज़ को भी आवाज़ देना पत्रकारिता का है। तो हम लोग जो है आवाज़ अखबार, ये बहुत पुराना अखबार है और हम लोग उसको देवघर में पिछले एक सालों से चला रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी हम लोग बिहार भी आएंगे और जो है बिहार के लोगों को भी आवाज़, क्योंकि बहुत लोग जमुई में झाझा में जान रहा सर आवाज़ को। आवाज़ कब तक पहुंचा रहे हैं उनके पास? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बांका, मुंगेर, ये जो सराउंडिंग एरिया है ये सब देवघर ही माना जाता है। अच्छा जी। और यहाँ के लोगों का आपसी बेटी रोटी का संबंध है। वहाँ के लोग जमुई, झाझा, बांका, हमारे अपने ही साले साहब का ससुराल जो है झाझा में, तो वहाँ बिहार, वो बिहार है सिर्फ सरकार की सीमाओं में। जी जी। वो सारा हम लोग उसको संथाल अंग प्रदेशी है और हम लोग उसको अपना ही मानते हैं। बहुत जल्द जमुई झाझा अखबार पहुँचने वाले, जल्द ही हम लोग जो है जमुई झाझा बिहार में जल्द ही हम लोग जो है वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज छोड़ के आइए, आप भी आवाज़ दे दीजिए।